मतलब अपने पैसे नाल हुए ना पहले लाइक फर्स्ट गर्लफ्रेंड हां फर्स्ट गर्लफ्रेंड फर्स्ट बाइक तो हमेशा ही रहती है सर जी। तो मैं वो करके मैं क्या चलो हूँ रिस्टोर ही करा लेने जे मतलब जेन्युइनिटी मैंने नज़र आई थोड़ी वीडियोज तो मैं सोचा दिस इज़ अ गुड प्लेस वेयर आई कैन गो एंड गेट इट रिस्टोर्ड। हेलो रॉलबर्ट फैमिली, मैं अपने कमाल आनंद सभी भाइयों को राम राम अस्सलाम वालेकुम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, जय जवान जय किसान, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। एक बार फिर हाजिर है आपका अपना कमल आनंद, और आज हूँ मैं लेके उन लोगों की शिकायत जो कहते थे स्टैंडर्ड के ऊपर कुछ नहीं करते, स्टैंडर्ड की कोई मॉडिफिकेशन दिखाओ। तो दोस्तों देखिए आज की ये 2000 मॉडल रिस्टोरेशन स्टैंडर्ड, और उसके बाद एक ओल्ड मॉडल 2009 मॉडल थंडरबर्ड जो है हमारे आर्मी के बहुत सीनियर ऑफिसर की, जिन्होंने हम पे फेथ किया और हमें गाड़ी दी, और वो गाड़ी इतनी लाजवाब बनी कि उसको देख के मेरे मुंह से भी निकला वाह कमल भाई वाह क्या बनाया है। तो सारी चीज़ें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और इस बार जो सिनेमेटिक्स हैं वो 2.5-3 मिनट के हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। आज आपको दो तरीके की गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, स्टैंडर्ड 2000 मॉडल जिसको रिस्टोर करके कबीर सिंह स्टाइल में एज पर कस्टमर चॉइस बनाया, और दूसरी मिलेगी 2009 मॉडल थंडरबर्ड जिसको हमने बनाया अपने तरीके से। शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखिए कितनी शानदार लग रही है दोनों गाड़ियाँ। सो दोस्तों जो आपने अभी स्टैंडर्ड देखी ये है मचिस्मो 2000 मॉडल, और बहुत लोगों के ये मतलब रिक्वेस्ट भी कह सकता हूँ, ये कह रहे थे कि तुसी पंजाबी च एक व्लॉग बनाओ जिहड़ा थोड़ा माँ बोली हैगी है उहदे सारी तुसी गल्ला करो। ए जिहड़ी आपां स्टैंडर्ड तैयार कीती है वीरे जिहड़े जिहदे तुसी सिनेमैटिक देखे ने उह भाजी दी हैगी है,
ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਰੋਇਲ ਬੁਲਟ ਫੈਮਿਲੀ। ਨਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ 2003-04 'ਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 2014 'ਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਖੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਈਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਲ ਭਈਆ ਹੈਗਾ ਕਰੋਲ ਬਾਗ 'ਚ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੇ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਈਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜਦ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਚ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਾਵਾਂ? ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਲੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਫਸਟ ਬਾਈਕ ਐਵਰ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਾ ਲਾਈਕ ਫਸਟ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ। ਹਾਂ ਫਸਟ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ, ਫਸਟ ਬਾਈਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਰਿਸਟੋਰ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੈਨੂਇਨਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਆਈ ਕੈਨ ਗੋ ਐਂਡ ਗੈਟ ਇਟ ਰਿਸਟੋਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਹੁਤ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਸ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਗੱਡੀ ਜਦ ਅੱਜ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਦੇਖੀ, ਫਸਟ ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਯਾਰ ਕੀ ਬਣਾ ਤਾ, ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਥੰਡਰਬਰਡ, ਆਈਏ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲੀਜੀਏ ਜੋ ਥੰਡਰਬਰਡ ਹਮਨੇ ਰੇਡੀ ਕੀ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਭਈਆ ਕੀ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਮ ਭਈਆ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਲੇਤੇ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਔਰ ਇਨਸੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਬਾਤ। दोस्तों थंडरबर्ड कैसी लगी वो तो आप बताएंगे, लेकिन हम फिर वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपनी पंजाबी माँ बोली से कि थानू पहला जिहड़ा तुसी गड्डी वेखी की मन च आया? मैं तो पछाणी नहीं, बट इट वॉज लाइक अ वेरी वेरी
अमेजिंग सरप्राइज टू बी ऑनेस्ट। मैं सोचा नहीं सी मतलब बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो जूगी गड्डी, मतलब आया मेरे दिमाग च सीगा भी मैं जिद्दां दी थानू कही है कबीर सिंह बनान दी वह थोड़ी मिलती जुलती होनी, बट दिस मतलब मैं भी बहुत सरप्राइज सीगा, मतलब इट वॉज वेरी हैप्पी टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन। एंड वट अबाउट कलर? हाँ कलर भी तुसी जब मैंने सजेस्ट किया मैं तो नॉर्मल ब्लैक करा रहे थे, तुसी मैंने सजेस्ट किया मैजिक ब्लैक कराओ तो फ्रॉम एवरी एंगल इट वुड वो लगता ही दिखोगी गड्डी अपनी ना हर एक एंगल तो, मैं वो मतलब थोड़ी सजेशन तो मैं ओके किया मतलब ऑब्वियसली सजेस्ट किया था, तो बहुत ही अमेजिंग कलर है, बहुत दिल खुश होया उन्होंने देख के। जैसी क्लासिक लुक के लिए हमने सोचा था कि ज़्यादा इसको टचअप्स नहीं देंगे, फैंसी टचअप्स नहीं देंगे जो कि आजकल मॉडर्न वो बहुत चलते हैं, वी वांटेड इट कि थोड़ा सा विंटेज स्टाइल में रहे, तो भैया ने बहुत अच्छा बताया था क्या क्या सजेस्ट किया था भैया ने, तो उसके बाद जो एक्चुअल फाइनल प्रोडक्ट आया हमारे सामने तो मैं भी इवन ये था कि हाँ जैसी दिखाई थी चीज़ वैसी ही बनाई डिट तो उसमें, क्योंकि हमने एक फ़ोटो ली थी हमने जी, सर्च करी थी और वो ब्राउन कलर में थी जैसे कबीर सिंह जी मुझे जी। एक आइडिया दिया था, एक रॉ इमेज थी माइंड के अंदर, ऐसा बिल्कुल क्लैरिटी नहीं थी कि क्या चाहिए, और तो ये बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा कि एक्चुअल में बीच में भैया ने कभी, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी यहाँ पर, एक बार भैया ने पैसे के लिए कॉल नहीं किया कि भाई इतना अमाउंट भिजवा दो कि इतना काम हो गया है, सारी इन्वेस्टमेंट भैया ने अपने एंड पे इनिशिएट करी सब कुछ, बस हम आए और गाड़ी देके चले गए बस दैट्स ऑल, उसके बाद भैया ने एक बार फ़ोन नहीं किया, कंटिन्यूस टचअप में थे हाँ ठीक है, बट पैसों के लिए एक बार भैया ने कॉल नहीं किया। इस बात पर मैं एक आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ कि मैंने अपने जीजा जी को अपनी कार दे दी, उस कार में बहुत एक्सेसरीज मैंने की हुई थी और मैं वो कार किसी को भी चलाने के लिए नहीं देता था, तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार तूने अपने जीजे को कार दे दी, मैंने कहा यार जिसको बहन दे दी उसको कार देने में कार क्या रह गई है। तो जब बंदा अपनी बुलेट अपने जिगर के टुकड़े को हमारे पास दे के जाता है तो उसके लिए पैसा जो है वो प्रायोरिटी नहीं होती है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि मेरी बुलेट जो है वो कमल भाई के पास है, रॉयल बुलेट परिवार के पास है। मैं सर थैंक्स करूँगा इस पूरे परिवार का, ये जो 2.5 लाख से अबव हो चुके हैं और उसके बाद पूरे पंजाब का जो इतना प्यार करता है, पंजाब से अभी 2 गाड़ियां और भी हो रही हैं, 1 गाड़ी की वीडियो और आनी है, वो हमने स्टैंडर्ड ही है ओल्ड मॉडल ही है, वो भी बाजी की वीडियो आनी है इस वीडियो के बाद, तो आप सभी की वजह से मैं हूँ, अगर आप नहीं हैं तो मैं भी नहीं हूँ, आप फेथ करते हैं तो हम उसके अंदर अपना जो म्यूज़िक माइंड है वो हम उस बुलेट में डालते हैं कि जिससे फिर जो रिज़ल्ट निकलता है वो बहुत बढ़िया निकलता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, आपका शुक्रिया, मेरे सीए भाई का शुक्रिया और इसने हमारे बारे में बताया, इसका फिर अब ये मेरे पास फ़ोन आएगा भैया मेरी कमीशन पक्की है। थैंक यू सो मच, थैंक यू भैया। दोस्तों मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन, खुशनुमा ये माहौल जब मैंने ये रिव्यू पढ़ा, एक आर्मी ऑफिसर ने जब आपको रिव्यू किया है, आपको कमेंट किया है, तो मतलब मैं दोनों हाथ जोड़ के भैया का थैंक्स करता हूँ, 2009 मॉडल जिनकी थंडरबर्ड है, कि आपने इतना अच्छा रिव्यू इतना टाइम लगा के मुझे लिख के भेजा, सच अ ऑसम रिव्यू, और मैं वो शेयर कर रहा हूँ आज यूट्यूब पे कि भैया ने हमारे बारे में क्या लिखा है, आप ज़रूर देखिएगा कि उन्होंने क्या लिखा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, गाड़ियाँ दोनों कैसी लगी, स्टैंडर्ड भी 2000 मॉडल जो मचिज्मो थी और ये थंडरबर्ड 2009 मॉडल, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में आपके सजेशंस एडवाइजेज ज़रूर चाहिए, और जिसको अच्छी लगी वो ज़रूर लिखेंगे वाह कमल भाई वाह दोनों गाड़ियाँ अच्छी लगी या एक ही वाली गाड़ी अच्छी लगी, और लाइक का बटन अब ज़रा दबा के दबाएँ, प्रेस करें उसको लाइक के बटन को, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, वंदे मातरम, जय हिंद, सलाम।